I'll give you. Sanskari Sex. Welcome to Sanskari Sex. मैं हूँ स्वाति. और सुनो, इससे पहले तुम सब टाइटल पढ़कर अपना दिमाग चलाओ ना. ये एपिसोड मेरा कोई किंक है नहीं, बट एक्चुअली इट्स द नीड ऑफ द आवर. लेट्स गेट सीरियस यार. देखो, हमारी टीम ना कोने कोने में फैली हुई है. और एक रिपोर्ट लेकर आई है. रिपोर्ट के मुताबिक 2023 जुलाई में फोर्ब्स की साइट पर एक आर्टिकल आया. उसमें लिखा था कि हर साल 43% लोग अपने कोवर्कर्स के साथ ही शादी कर रहे हैं. इट्स लाइक सीटीसी में कंपनीज लाइफ पार्टनर बेनिफिट्स भी इंक्लूड कर रही है. पहले पैसे देंगे और फिर उस पैसे को खर्चने के लिए बंदा या बंदी. लेकिन गाइस, ट्यूशन सेंटर का क्रश नहीं है ये, तुम्हारा वर्क प्लेस है. यूपीआई की जो साउंड है वो अगर मनी रिसीव्ड में ही सुनते रहना है और पेमेंट फेल्ड स्क्रीन पे देखने का शौक नहीं है. इन शॉर्ट, अगर नौकरी से प्यार है तो शादी सुरक्षित रखने को तैयार है. आवाज चावड़ा गंजो. वो होता है ना जिम के बाहर मोमोज का स्टॉल. करने क्या आए थे, करने का मन किस चीज का कर रहा है, कोई सेंस ही नहीं है. तीन तरह के लोग होते हैं ऑफिस और जिम के बाहर. पहले, जो मोमोज की तरफ एक बार भी नहीं देखेंगे. ये होते हैं कि आए, काम किया और चले गए. दूसरे, जो देखते हैं, रेट पूछते हैं और चल कोई नहीं यार, कोई और अपनी मर्जी से खिला दे तो चलेगा इनको. लेकिन बाकी टाइम ये देख के काम चलाते हैं. अब बारी थर्ड टाइप के लोगों की. ये लोग खूंखार भेड़िए होते हैं. जिम के बाहर के मोमोज ये लोग बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे खा लेते हैं. ऑफिस वाले केस में भी ये यही करते हैं, खा लेते हैं. लेकिन मोमोज खा के ना तुम्हारा पेट निकलेगा, मगर ऑफिस में रिलेशनशिप से हो सकता है कि तुम ही निकल जाओ. इस टेम्पटेशन के निवारण के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन सेफ्टी टिप्स फॉर सेक्स इन ऑफिस ये मैं आपको दे सकती हूँ. तो काम बंद करो और कान खोल के सुनो काम की बात. जितना सेक्सी लगता है ना ऑफिस में सेक्स, उतना ही डेंजरस भी है. अगर तुम्हें किसी ने देख लिया और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो उसका मुंह बंद करने में तुम्हारी सैलरी, बोनस, इंसेंटिव सब गया बाबू भैया. सबको बता दिया तो इज्जत गई, एचआर को बता दिया तो नौकरी गई, बॉस को बता दिया तो अगले साल की इंक्रीमेंट गई. इतने खतरे हैं, फिर भी लोग तो हैं ही खतरों के खिलाड़ी हैं? और मैं इस सब में रोहित शेट्टी. खतरा भी बताऊंगी पर सारे सेफ्टी मेजर्स दिखाऊंगी भी और उसे यूज करना भी सिखाऊंगी, जिससे काम भी हो जाए और काम भी. तो पहली टिप ये है, मेक इट क्विक. फोरप्ले, किसिंग, कैरेसिंग, डर्टी टॉक, इन सब में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना. ऑफिस में कर रहे हो, कोई कभी भी आ सकता है. यू कैन ट्राई, बट या यू कैन ट्राई सेक्सटिंग बिफोर एक्चुअली डूइंग इट. उसी से मूड बनाओ और मिलते ही स्टार्ट कर दो. कपड़े भी मत उतारना, कोई आ गया तो कम से कम कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा ना. बिना कपड़ों के देखो ना शरीर छुपा पाओगे ना ही अपने कर्म. दूसरी टिप, PN/housekeeping. इनकी नजरों से बचें. ये टेबल साफ करते करते आपकी गॉसिप सफाई से पूरे ऑफिस में बता देंगे और आपका ही पत्ता साफ हो जाएगा. डरा नहीं रही, समझा रही हूं. अगर ऑफिस में कोई है जिसे सबके बारे में पता है तो वो यही है. इन्हें पता है कि कौन किसके साथ लिफ्ट में ऊपर नीचे करता है, कौन किसका गर्म करता है लंच, कौन घुसा रहता है किसके कैबिन में, और कौन कॉफी की मशीन पर रोज सेम टाइम पर आता है. ये वो है जिससे पकड़े जाने की तुम सबसे कम उम्मीद करोगे, पर तुम्हें पकड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं. और ये कौन सा तुमसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ये वहां बताएगा जहां तुम कभी नहीं बताना चाहोगे. टिप नंबर 3, दो को मत दो. कंट्रोल होता है, कंट्रोल, कंट्रोल. ऑफिस को स्प्लिट्स वाला मत बनाओ यार, कि इस महीने प्रोडक्शन टीम से कोई ले लिया, अगले महीने मार्केटिंग टीम में से ही,
अरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग दोनों ही खराब हो जाएंगी। ऑफिस में अगर ऐसे किंकी लोग मिल जाए जो थ्रीसम फोरसम वाले हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ है तुम्हारी। इसीलिए मैं सावधान कर रही हूँ, क्योंकि गलती से भी किसी शाम की चाय पर किसी ने ये बात स्पिल कर दी तो तुम तो कहीं के नहीं रहोगे। बात जब खुलेगी कि तुमने किस किस के सामने खोला है तो तुम्हारी सैलरी का हिसाब वहीं बंद हो जाएगा। एचआर ने टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज इसलिए थोड़ी कराई थी कि तुम पीछे से किसी और से और आगे से किसी और से बॉन्डिंग कर लो। टिप नंबर 4, ऊपर नीचे मत करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सेक्स की नहीं यार, ऑफिस हायरार्की की बात कर रही हूं। ध्यान से सुनो, उसमें ऊपर नीचे मत करो। फॉर एग्जाम्पल, बॉस टीम मेंबर के साथ या फिर मैनेजर इंटर्न के साथ, ये अवॉइड करो गाइस। अच्छा लगेगा कि जब तुम उसकी वीकली परफॉर्मेंस पर सवाल उठाओ तो वो जवाब में तुम्हारी नाइटली परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारे। मीटिंग रूम के आर्ग्यूमेंट्स बेडरूम में सॉल्व होंगे, वहां कपड़ों की जगह ऑफिस की फाइल्स खुलेंगी। एक दूसरे की शक्ल देखकर प्यार नहीं काम याद आएगा, या काम ना होने का गुस्सा। डर्टी टॉक की जगह, तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी, या फिर तुम्हारे कैबिन में वो इतनी देर तक क्या कर रही थी, ये सब होगा। इसीलिए ऊपर नीचे मत करो। टिप नंबर 5, ऑफिशियल मेल पे नो पर्सनल विचार। मेल लूप में हर बात पे आई अग्री विद श्वेता, लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही आते जाते एक दूसरे को देख के ये सिली सी स्माइल करने की जरूरत है। तुम्हें लगेगा कि नहीं स्वाति, इतना कॉमन सेंस तो सब में होता है, पर नहीं, किंक के आगे कॉमन सेंस का क्या वजूद। पर इस किंक से मिलने वाली किक सीधा रेजिग्नेशन के साथ मिलेगी बेटा, इतने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अरे कम से कम मेल को छोड़ दो यार, उसे काम और फॉर्मली गाली देने के लिए रहने दो। क्यों उसका इनबॉक्स सेक्सटिंग से भरना है? ऐसे भी ऐप्स हैं जिन पर चैट पढ़ते ही गायब हो जाती है, बाद में कोई और क्या, तुम खुद भी नहीं पढ़ पाओगे कुछ। अपने ऑफसाइट के एडवेंचर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्यों दर्ज करा रहे हो? अच्छा लगेगा कि अचीवर्स की लिस्ट के बगल में कंपनी तुम्हारे नाम की एक अलग लिस्ट लगाए कि देख लो इन्होंने जो किया है ना वो तो बिल्कुल नहीं करना है। टिप नंबर 6, प्ले द ब्लेम गेम। नोप, दिस इज नॉट अ न्यू फोरप्ले गेम। प्योर शुद्ध ऑफिस में ब्लेम गेम खेलने की बात कर रही हूं मैं। अगर कभी भी मीटिंग के बाद बॉस के बारे में बिचिंग करते हुए या लंच पर ही तुम अपने पार्टनर के बारे में कोई उड़ती उड़ती गॉसिप सुनते हो तो डू द इजीएस्ट थिंग, किसी और को फंसा दो। उसका ऑफिस में किसी और के साथ अफेयर है ऐसा रूमर फैला दो। रूमर लगाने के लिए आप इन तड़कों का इस्तेमाल कर सकती हैं। पे अटेंशन, मैंने उन्हें साथ में पार्किंग में देखा था, या फिर मैंने उसके फोन पर नोटिफिकेशन देखी थी उसकी। इतने कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी के साथ बोलना कि सुनने वाला इनको साथ में सेक्स करते हुए इमेजिन कर ले। वैसे भी रूमर्स कौन सा कोई वेरीफाई करता है, अपने आप को बचाने के लिए जितना चाहे क्रिएटिव हो सकते हो जा। मैं तो कहती हूं अपनी एक दो फैंटेसीज भी डाल दो। अब आखिरी और सातवीं टिप, गेटिंग हॉट विदाउट गेटिंग कॉट। ओके, डिस्क्लेमर, मैं नहीं कह रही कि ऑफिस में करना जरूरी है, पर अगर एडवेंचर चाहिए, फैंटेसी है अपने लैपटॉप के सामने उसकी लैप पर बैठने की, तो सुन लो ये टिप। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या लॉजिक है ऑफिस के अंदर इतने रिस्क में करने का, तो देखो यार, लॉजिक तो कुछ नहीं है। एंड नॉट जस्ट दिस, दुनिया में ऐसी बहुत चीजें हैं जिनका लॉजिक नहीं है, जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स की राइड्स। कौन सा लॉजिक है इसमें? हवा में लटक के उल्टा सीधे होने से क्या हो जाएगा लाइफ में? कुछ नहीं ना, इट्स जस्ट फॉर द थ्रिल। ऐसे ही दिस राइड इज आल्सो जस्ट फॉर थ्रिल। जिस मीटिंग रूम में सुबह तुम्हारी इज्जत उतरी थी वहां कपड़े उतारने में थ्रिल तो मिलेगा ही, बट प्लीज मेक श्योर वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं है, नहीं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस की प्रेजेंटेशन पाई चार्ट्स में नहीं, एमएमएस में होगी। ऑफिस का बेसमेंट, पार्किंग, कोई ब्लाइंड स्पॉट या कोई खोपचा या दरवाजे के पीछे, मतलब कुछ होना चाहिए टू शील्ड यू डायरेक्टली। प्यार किया तो डर
डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या. ना ना, not the right song you want to remember for attempting this. Keep it more on the lines of this one. धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले. देखो ये तो टिप्स और एडवाइजेस है. एक्चुअल सीन तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे एम्प्लॉइज कितने चुगलखोर हैं, तुम्हारे ऑफिस में कितने सिक्योरिटी कैमरास हैं, गार्ड को गॉसिप के लिए कितनी रिश्वत मिली है और तुम्हारे बॉस को तुमसे कितनी नफरत है. ये सब तो मेरा कहना था, पर तुम्हारी सुने बिना मैं अपना एपिसोड कैसे खत्म कर दूं? तो हमारी टीम के कुछ जवान निकल गए सड़कों पर एक बार फिर अपनी जान और इज्जत हाथ पर रखकर. इस बार हम सड़क पर तो गए पर जस्ट ऑफिसेज के नीचे वाली पर, और वहां से हमें मिले ये रिस्पॉन्सेज. यार मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस तो है नहीं, इसमें वर्क और लव लाइफ एक साथ कैसे मैनेज हो सकती है? अरे मेरे भाई, जहाँ अपनी मर है वहाँ दूसरे की मारने से क्या फायदा, हम तो खुद ही फंसे बैठे हैं. अरे भैया मेरा नाम मत बताना. वैसे देखो आपको बताऊं, मैं मेरी वाइफ को तो मैंने कभी पता ही नहीं चलने दिया, और जहां तक मुझे पता है उसके पति को भी कुछ आइडिया नहीं है. तो अगर ढंग से चलाओ तो आराम से चल जाता है, छुप भी जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है. ऑफिस वालों को वर्किंग आज में तो झेला नहीं जाता है, ऑफिस के बाद कौन देखेगा इनकी शक्ल. क्लियरली लोगों का मन तो बहुत है यार, बस पकड़े जाने का डर उन्हें रोक के रख रहा है. बट माई बॉय एंड माई गर्ल, इस डर के आगे जीत रिया, सान्या या तान्या, जो तुम्हें ऑफिस में पसंद है वो है. सो अटेम्प्ट एट योर ओन रिस्क. बाकी तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में सेक्स करने में और क्या क्या खतरे होते हैं? मे बी आई हैव ओवरलुक्ड सम, और उन्हें कैसे बचा जा सकता है? यू नीड टू कम विद द सेफ्टी वार्निंग एंड द टिप ऑल्सो. ये बताओ हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर @redfmpodcast पर, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कैच मी एनी टाइम ऑन माय इंस्टा हैंडल @swatcat86 पर. टिल देन दिस इज स्वाति सेइंग गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड कीप ऑन हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ संस्कारी सेक्स. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex, written by Dhruv Law, Tanishka Tripathi, audio design by Ayush Mehra, creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.